साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को पता है कि हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ई विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां अवसर ऐप के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, तो आइए देखते हैं अवसर ऐप पर किस तरह से एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे विभागीय जानकारी आपको समय से मिल सके। आइए जानते हैं अवसर ऐप पर गतिविधियां कैसे संचालित करें। सबसे पहले उसके लिए हमें अवसर ऐप ओपन करना होता है। हम जैसे ही अवसर ऐप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही स्क्रीन आएगी जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हमको देखना है, पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पलवल सिलेक्ट कर दिया, पलवल के ब्लॉक हमारे सामने आ जाएंगे, उनमें से हम अपना ब्लॉक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें स्कूल सिलेक्ट करना है, तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो ढूंढने में अगर आपको परेशानी है तो एक बार केवल आपको अपना स्कूल कोड पता करना है और उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और आप उसे क्लिक करके भर सकते हैं। क्लास सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्लास है उसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेम सिलेक्ट करेंगे, इसमें से आप अपने बच्चे का नाम देखेंगे और उसको फिल कर देंगे। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैंने बताया था पहले आपको कि वो आधार कार्ड वाली ही डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। कई बार बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है। उसके बाद जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, हम देख सकते हैं हमारी होम स्क्रीन पर हमको सबसे ऊपर एक्टिव सर्वे, मैं आपको बता चुकी हूँ जिस तरह से भरना होता है। उसके बाद ये चार ऑप्शन हैं। पहला वीकली लर्निंग शेड्यूल, इसमें जाके हम लर्निंग शेड्यूल चेक करते हैं। प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, इसमें हमारी जो असेसमेंट होती हैं उसे करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वीडियोस के बारे में कि कलाकृति या एक्टिविटी की वीडियो हम कैसे देखें, तो ये ऑरेंज कलर का हमको जो कॉलम दिख रहा है इस पर लिखा हुआ है वीडियोस, इस पर जाके हम क्लिक करेंगे वीडियोस देखने के लिए। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया, ऊपर हमें दिखा, हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर ए लिखा हुआ है कैपिटल एंड स्मॉल, और उसके नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है। सेकंड जो हमारा है उसमें लिखा हुआ है जॉयफुल सैटरडेज़, तो हमको जॉयफुल सैटरडेज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम जॉयफुल सैटरडेज़ पे क्लिक करेंगे, हमारे नीचे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने मई से ही ये लॉन्च कर दिया था प्रोजेक्ट। मई से ही पूरे समर में ये प्रोजेक्ट चलना था कि जॉयफुल सैटरडेज़ में किस तरह से बच्चों को इन्जॉय करवाया जाए। तो हम देख सकते हैं हर हफ्ते की वीडियो इसमें हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा जुलाई वाला वीक चल रहा है, तो 3 जुलाई वाला अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे क्लिक करके कि क्या दिखाया जा रहा है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, शायद नेट की वजह से खुल नहीं पा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद वीडियो खुल जाएगी। शायद नेट की दिक्कत है इसलिए नहीं खुल पा रही है, वरना खुल गई वीडियो। आप देख सकते हैं ये भरतनाट्यम सेक्शन है, ये आशा है आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और भी है, और भी बहुत सारी हैं। देखो जॉयफुल सैटरडे की लास्ट जो वीक था उसमें पेंसिल शेडिंग थी, तो इसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बच्चों को बताते हैं किस तरह से हमको शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के बच्चों को उपाय बताए जाते हैं। आज हम अलग छठी अलग अलग कला सेतु में विषय के तौर पर पेंसिल और उसका प्रयोग सभी इसका के बारे में उपयोग करें और इंजॉय करें।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण व विभागीय जानकारी दे सकें। धन्यवाद।